आगरा के लिए प्रोजेक्ट तो बताइए ना, वहाँ की जिला मजिस्ट्रेट ने पत्र लिखा है। अच्छा क्या दिखाई, जरा मुझे दिखाई क्या दिखाई। डीएम आगरा का मैं पत्र है, आप बताइए बताइए क्या करें। मैं सर को व्हाट्सएप कर दूं सर? सर को क्यों करेंगे, मुझे दिखाइए। गांधी कांग्रेस पार्टी नहीं, हर बार जाने से रोक देते हैं, कहीं घर से नहीं निकलने की क्या तरीका है? यहाँ 144 है क्या जी? 144 कब से लागू? 144 लागू 10 मिनट पहले, दशहरा के पहले से लागू है। आगरा में लागू है? हाँ आगरा में भी लागू है, यहाँ भी लागू है। काहे का 144? काहे का 144? सड़क पर चलने के लिए 144 का जुलूस था, मैं जा रहा था, जुलूस को बिहार रोका गया। नहीं, सड़क पर चलने के लिए 144 लागू है, सड़क पर नहीं चल सकते? चल सकते, सब गाड़ी बंद करो। अध्यक्ष जी आप क्यों चल रहे हैं? अरे भैया हम आपको सर्वाधिक चीज बताएंगे। नहीं नहीं, क्या दिक्कत है भैया कहीं जाने में? दिक्कत क्या दिक्कत है? डीएम आगरा ने पत्र लिखा है मैम, इसलिए मैम कुशीनगर में लागू है जहाँ मोदी जी 10,000 की भीड़ लेके इकट्ठा है। नहीं वहाँ कुशीनगर में है कि नहीं 144? कुशीनगर में है कि नहीं 144 बताओ ना भैया, कुशीनगर में 144 है कि नहीं? कुशीनगर में सर है कि नहीं है? कुशीनगर का क्यों प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं वहाँ? कुशीनगर का क्यों मुख्यमंत्री भाषण देंगे? ऐसे थोड़े होता है। आपको आती है कानून नहीं, आप कानून बना रहे हो। मैं नहीं कह दिया सर, आप जो कह दे कानून, बाकी जो कहे वो कुछ नहीं। अध्यक्ष जी मैं अजीब हाल है भाई, समझदार है मैं बहुत समझदार हूं। डीएम में हम लोग नहीं, इसमें क्या डीएम की अनुमति है? सड़क पर चलने के लिए डीएम की अनुमति चाहिए? सड़क पर चलने के लिए डीएम की अनुमति नहीं चाहिए? चलो भैया रोक लेना मैम, प्लीज मैम गाड़ी चलाओ। मैम आप क्या कहते हैं, आप गाड़ी चलाओ। क्या कहना है इनका पुलिस? इनका कहना है कि आप इनको पॉलिटिकली कन्वीनियंट है, किसी को कुछ हुआ है मिलना चाहती हूँ। उसमें कौन सी लॉजिक ही नहीं, वापस। अरे गाड़ी पर मत पीटो, गाड़ी पर मत पीटो, गाड़ी पर।